أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته क्या हाल है सब बच्चों के? खैरियत से हैं? आज हमारी इंग्लिश रिटन की क्लास है, तो काम स्टार्ट करते हैं। और काम शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ेंगे। रब اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज मैं आपको एक नया अल्फाबेट बनाना सिखाऊंगी। और कौन सा अल्फाबेट सिखाऊंगी बनाना? वी। विच लेटर इज दिस? वी। वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, वी फॉर वास, वी फॉर वास। ठीक है। अच्छा, अब वी बनाने सीखेंगे। वी कितने स्टेप्स में बनेगा? टू स्टेप्स में बनेगा वी। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इसमें हम नीचे की तरफ एक क्रॉस में लाइन लेके जाएंगे, और सेकंड स्टेप में हम उधर से ही एक लाइन ऊपर की तरफ ले जाएंगे क्रॉस में। क्या बन जाएगा हमारा? ये वी बन जाएगा। ठीक है। ट्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नहीं करनी, ना यहाँ से करनी है। ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेसिंग करना। फर्स्ट स्टेप हमारा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। डॉट पर बिल्कुल करेंगे सफाई से, इस तरीके से, और यहीं से ही फिर दोबारा ऊपर जाएंगे ऐसे। क्या बन गया ये हमारा? वी बन गया। ठीक है। ये देखिए, टीचर ने ट्रेसिंग कर ली है। सब बच्चे इसी तरीके से ट्रेसिंग करेंगे, सफाई से ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर पहले मैं आपको वी की ट्रेसिंग बताऊंगी कि कैसे करनी है, उसके बाद हम नीचे खुद से वी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम नीचे की तरफ जाएंगे, और फिर यहीं से ही हम ऊपर जाएंगे। क्या बन गया ये हमारा? वी बन गया। पहले नीचे जाएंगे और फिर यहीं से ही ऊपर जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। ठीक है। अच्छा अच्छा करना है, साफ साफ करना है, और पढ़ते जाना है। क्या बना रहे हैं हम? वी बना रहे हैं। विच लेटर इज दिस? वी। ये देखिए, ट्रेसिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है मम्मा से आप क्या कहेंगे? तीन डॉट मुझे लगा दें। ठीक है। बगैर डॉट के कोई नहीं बनाएगा। डॉट लगा के काम करें ताकि काम सफाई से हो। बगैर डॉट के जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका काम बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल ख़राब काम होकर आया है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप डॉट पर काम करें ताकि राइटिंग जो है वो सफाई से हो। ठीक है। इस तरीके से तीन डॉट लगाएंगे, और फिर फर्स्ट डॉट से यहाँ से स्टार्ट करके नीचे वाले डॉट पर जाएंगे, और फिर यहीं से ही ऊपर वाले डॉट पर। ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा? वी बन जाएगा। ये पहले नीचे आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है। गो डाउन एंड देन अप। ठीक है। क्या बन गया ये हमारा? वी बन गया। और साथ साथ पढ़ते जाएंगे ताकि पहचान अच्छे से हो जाए। ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम? वी लिख रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से काम करना है। अच्छा अच्छा साफ साफ काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 89 पर है राइट ए टू वी। यहाँ पर हमें ए बी सी डी लिखनी है वी तक। ठीक है। और प्यारा प्यारा लिखेंगे। अगर जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है वो एक डॉट पर काम कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ वो एक डॉट लगाएंगे ऐसे। ठीक है। ताकि जो है वो सारे अल्फाबेट्स लेवल में आए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ए। इसके बाद क्या आता है बच्चों? बी, सी, डी, ई, एफ, जी। देखिए, मैं अभी भी जी बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। कैसे बनाएंगे जी? अंदर जाएंगे, वापस बाहर आकर, और फिर उसके बाद यू छोटी सी लाइन नीचे आएगी, ऐसे बनाना है जी। ठीक है। जी के बाद क्या आता है? एच,
आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ऐसे काम करना है आपको अच्छा अच्छा और साफ साफ, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए होमवर्क कॉपी की तरफ। होमवर्क कॉपी में भी हमने सेम यही तीन पेजेस करने हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं। पेज नंबर 87, 88 और 89, ये तीनों पेजेस आपने होमवर्क कॉपी में भी करने हैं और सीडब्ल्यू कॉपी में भी करने हैं, ठीक है। और अच्छा अच्छा और साफ साफ काम करना है, ठीक है। और कॉपीज को गंदा नहीं करना है, साफ सुथरा रखना है और काम करके फॉर्म बैग में कॉपीज रखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला इंग्लिश रिटन की क्लास नेक्स्ट वीक होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।